नमस्कार दोस्तों। तो पिछले एक महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन मतलब बजट रेंज में यहाँ तक जो हायर रेंज में जो भी स्मार्टफोन है सभी का प्राइस इधर 500 रुपये से 1000 रुपये बढ़ाए या फिर घटाए। इसके पिछले महीने भी मैंने सेम वीडियो बनाया था कि 10000 रुपये अगर आपका बजट है तो आपको कौन कौन से सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो जुलाई महीने पर मैं वही लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस जुलाई महीने पे अगर आपका बजट है 10000 के आसपास मतलब वही 9 से 10000 के आसपास और अगर आप आज के दिन में कोई सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आप गैजेटो चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 10000 रुपये के अंदर हमारे इस प्राइस लिस्ट में जो पहला सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है उसका नाम है माइक्रोमैक्स इन वन। ये फ्लिपकार्ट में बिकता है, इसका प्राइस है 10000 रुपये। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले। ये इस प्राइस रेंज का एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा वो भी फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G80 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB 64GB मेमोरी और 5000mAh बैटरी, उसके साथ 18W का फास्ट चार्ज। तो 10000 रुपये के अंदर ये जो माइक्रोमैक्स इन वन मेरे ख्याल से अभी सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, ये सभी फीचर आपको देखने को मिलता है। तो 10000 रुपये पे जो दूसरा सबसे बढ़िया स्मार्टफोन वो मेरे ख्याल से इन्फिनिक्स हॉट 10S। ये जो स्मार्टफोन अभी मेरे पास है बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है जिसका मैंने रिव्यू भी किया था। ये स्मार्टफोन 10000 के अंदर एक बहुत बढ़िया गेमिंग या फिर ऑलराउंड स्मार्टफोन है। ये बिकता है फ्लिपकार्ट पे, इसका प्राइस है 9500 रुपये। इसमें आपको मिलेगा 6.82 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 90Hz, इसका टच सैम्पलिंग रेट है 180Hz। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G85 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB 64GB मेमोरी और 6000mAh बैटरी आपको देखने को मिलता है। तो मतलब इस स्मार्टफोन का एक ही डिसएडवांटेज है जो कि इसका डिस्प्ले। अगर ये फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होता तो 10000 के अंदर एकदम अल्टीमेट डिवाइस होता और यही रीजन की वजह से मैंने इसे दूसरे पोजिशन में रखा है क्योंकि इसमें आपको एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये जो स्मार्टफोन मैं पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है 10000 रुपये के अंदर। तो 10000 रुपये के अंदर तीसरा जो सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है उसका नाम है मोटरोला G10 पावर जो फ्लिपकार्ट में बिकता है, इसका भी प्राइस है 9500 रुपये। इसमें आपको मिलेगा 6.51 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसमें भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। प्रोसेसर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। कैमरा में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, उसके साथ 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ये वाला स्मार्टफोन आपको मिलेगा 4GB 64GB वेरिएंट पे, उसके साथ 6000mAh बैटरी भी देखने को मिलेगा। तो मतलब यही चीज़ कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन है ये दरअसल 10000 रुपये के अंदर एक बहुत बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन तो है लेकिन 10000 रुपये के अंदर सबसे बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन है क्योंकि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है वो भी मोटरोला के कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के साथ। और ये तो आपको मालूम है मोटरोला का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बजट रेंज में सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो इसलिए 10000 के अंदर अगर आपको ऑलराउंड कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो मोटरोला G10 पावर आपके लिए एक लौता ऐसा ऑप्शन है। तो 10000 रुपये के अंदर चौथा जो सबसे बढ़िया स्मार्टफोन उसका नाम है पोको M2 या फिर जिसका दूसरा नाम है रेडमी 9 प्राइम। इसमें आपको मिलेगा 6.53 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, हीलियो G80 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट पे मिलेगा, 464GB 664GB और बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी। ये स्मार्टफोन अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। मैंने कुछ हफ्ते तक ये स्मार्टफोन इस्तेमाल किया था। और 10000 रुपये के प्राइस पॉइंट में जो आखिरी सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है वो मेरे ख्याल से टेक्नो स्पार्क 7T जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका भी प्राइस है 9000 रुपये। इसमें आपको मिलेगा 6.52 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, हीलियो G35 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 6000mAh बैटरी। तो मतलब ये जो टेक्नो स्पार्क 70 9000 रुपये में मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो स्मार्टफोन के बारे में बताया मतलब जो 5 स्मार्टफोन के बारे में बताया अभी 10000 रुपये के अंदर ये 5 स्मार्टफोन सबसे बढ़िया ऑप्शन है लेकिन मैंने जो पहले स्मार्टफोन के बारे में बताया जिसका नाम है
माइक्रोमैक्स इन वन और इनफिनिक्स हॉट टेनेस दोनों 10,000 में अभी एकदम अल्टीमेट डिवाइस है, दोनों ही ले सकते हैं, बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो माइक्रोमैक्स वाला ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि उसमें आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले उसके साथ स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, और स्टॉक एंड्रॉयड मतलब आपको टाइम टू टाइम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट मिल ही जाएगा। तो 10,000 रुपए के अंदर ये 5 स्मार्टफोन मेरे ख्याल तो इस जुलाई महीने पे सबसे बड़ी ऑप्शन है। अगर इसके बाद ये सभी स्मार्टफोन का प्राइस 500 रुपए बढ़ता है या फिर घटता है, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट महीने का एग्जैक्टली सेम वीडियो में पब्लिश करूंगा। तो मिलता है अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।